कुछ लोग किस्मत के सहारे आगे बढ़ते हैं, कुछ दौलत के और कुछ लोग ताकत के, पर सबसे आगे वही निकल पाता है जो मेहनत के भरोसे आगे बढ़ता है। दिन के सिर्फ 2 रुपए कमाने वाली लड़की आज 3,000 करोड़ की मालकिन है। 2 रुपए से 3,000 करोड़ तक का सफर एक नाबालिग शोषित बच्ची से एक शक्तिशाली महिला बनने तक का सफर, एक दलित से एक पावरफुल बिजनेस वुमन बनने तक का सफर इतना आसान नहीं होता। ये सुनने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन इसे सच कर दिखाने में उतनी ही मेहनत, दृढ़ इच्छा शक्ति एंड संघर्ष होता है। और इसे सच करके दिखाया है एक महिला ने, जिनका नाम है कल्पना सरोज। हाय फ्रेंड्स, दिस इज भारती, यू आर वॉचिंग माई चैनल जीवन मंत्रा। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताऊंगी जिनकी लाइफ स्टोरी, मेहनत, स्ट्रगल की कहानी सुनकर आप अपने आप से ये सवाल पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई वुमन इतनी दुख, इतनी स्ट्रगल सहन करने के बाद भी सक्सेस हो पाएगी। जी हाँ, इसे सच करके दिखाया है कमानी ट्यूब्स कंपनी की मालकिन कल्पना सरोज ने। बचपन में ही शादी कर दी गई, उम्र की 12 साल में। एक ऐसी लड़की जहाँ से चली थी उसके गांव में एक रास्ता तक नहीं था। आज मुंबई शहर में उनके नाम पे, उनके कंपनी के नाम में 2 रास्ते हैं। कभी उनके पास एक घर भी नहीं हुआ करता था, आज वो बिल्डर बन के लोगों को घर बेच रही है। 2 रुपए तक पास में नहीं थे, आज 3,000 करोड़ की कंपनी की मालकिन है। कल्पना सरोज की बचपन बहुत ही भयानक था, दुख और दर्द से भरा हुआ था। महाराष्ट्र की एक दलित समाज में कल्पना का जन्म हुआ था, जिनके पिताजी एक पुलिस हवलदार थे, जिन्हें महीने के 300 रुपए मिलते थे। उनके परिवार में और 3 बहनें और 2 भाई थे। कल्पना बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी, लेकिन उनके फैमिली का ये मानना था कि लड़की एक जहर की पुड़िया होती है जिसे ज्यादा दिन घर पे नहीं रखा जाता, इसीलिए उनकी शादी महज 12 साल की उम्र में हो गई। जिस उम्र में वो खुद गुड्डे गुड़ियों की शादी कराती थी, उसी उम्र में उनकी खुद की शादी करा दी गई एक अनजान के साथ, जो कि उम्र में कल्पना से बहुत ही बड़ा था। शादी के बाद वो अपने पति के साथ मुंबई चली गई। हर लड़की की तरह उन्होंने भी अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर बहुत सारे सपने देखे थे, पर शादी के बाद उनके सपनों के साथ साथ वो खुद ही बिखर गए। उनके ससुराल वाले उनके साथ बहुत ही बुरा पेश आते थे, यहाँ तक कि एक 12 साल की छोटी बच्ची 12-13 लोगों के लिए खाना पकाती थी, रोज मार गाली खाती थी, यहाँ तक कि उसे खाने भी नहीं देते थे। 6 महीने बाद जब उनके पिता उनसे मिलने गए, तब उनके पिता खुद ही कल्पना को नहीं पहचान पाए। फिर जैसे तैसे करके उनके पिता उन्हें अपने घर लेके आए, और इसी तरह कल्पना को उस नर्क से छुटकारा मिला। कल्पना अपने पिता के घर आई और उसने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। पर उनके गांव में इस तरह की लड़की को, जो कि ससुराल छोड़ के आई है, उसे अपमान भरे नजरों से देखते थे, तरह तरह की बातें कहते थे। ये सारी बातें वो सहन नहीं कर पाई। फिर उसने मार्केट से 3 पॉइजन की बॉटल्स खरीदी एंड तीनों एक साथ पी गई। यहाँ से उनकी कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से ही उनकी असली कहानी शुरू होती है। उनकी परिवार वालों ने जैसे तैसे करके उन्हें बचा लिया, यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नई मोड़ ली। उन्हें लगा कि ऐसे मरने से अच्छा है कि कुछ करूं, कुछ ऐसा करूं जिससे उनकी जिंदगी बदल जाए। फिर उनकी जिंदगी में संघर्षों का दौर शुरू हुआ। कल्पना ने नौकरी करने की भी कोशिश की, पर उम्र एंड पढ़ाई कम होने के कारण उन्हें नौकरी भी नहीं मिल पाई। गांव में कुछ ना करने की वजह से उन्होंने मुंबई जाने की सोची। उस वक्त वो सिर्फ 16 साल की थी। मुंबई में उनके चाचा रहते थे, जो कि एक कपड़े की मिल में काम करते थे। क्योंकि कल्पना को सिलाई का शौक था, इसीलिए उनके चाचा ने उन्हें एक कपड़े के मिल में काम दिलवा दिया। पर सिलाई का काम आते हुए भी कल्पना ने मिल में कपड़े नहीं सिल पाए, और इसीलिए कल्पना को सिलाई की जगह धागा काटने का काम दे दिया गया। इससे वो दिन के 2 रुपए कमाती थी। धीरे धीरे कल्पना का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। धागा काटते काटते वो सिलाई मशीन भी सीख गई।
फिर उनकी इनकम भी बढ़ने लगी। इस तरह उन्होंने कुछ सिलाई मशीन खरीद कर घर में ही सिलाई का काम शुरू कर दिया। अब आगे बढ़ने के लिए कल्पना के सामने बिजनेस का ही रास्ता था। सरकार की योजना जो कि दलितों के लिए था, उसमें से कुछ लोन लेकर कल्पना ने अपनी एक फर्नीचर की छोटी सी बिजनेस स्टार्ट की। फिर जैसे उनके पास पैसे आने लगे, फिर उन्होंने एक ब्यूटी पार्लर भी खोल लिया। धीरे धीरे कल्पना गरीबी की दलदल से बाहर निकल रही थी और खुशियां उनकी जिंदगी में दस्तक दे रही थी। एक स्टील फर्नीचर की व्यापारी के साथ कल्पना ने अपनी दूसरी शादी कर ली। खुशियां लौट आई थी उनकी जिंदगी में, लेकिन फिर से किस्मत ने उनके साथ खेला। जब वो दो बच्चों की माँ थी, तभी उनके पति का निधन हो गया। लेकिन समय के साथ साथ वो फिर से खड़ी हुई और आगे बढ़ी। अब बात करते हैं कि कैसे कल्पना कमानी ट्यूब्स की ओनर बनी। इस कंपनी को NR कमानी ने बनाया था, पर कुछ विवादों के कारण ये बंद हो गई थी। लेकिन फिर से कोर्ट ने इसे शुरू करने की परमिशन दे दी, लेकिन इस बार इस कंपनी की बागडोर वर्कर्स के हाथों दे दी गई। लेकिन वर्कर्स इस कंपनी को ठीक से नहीं चला पाए और एक दिन ऐसा आया कि इस कंपनी पर करोड़ों का लोन था। फिर कंपनी के वर्कर्स कल्पना जी के पास गए। तब तक वो एक बिजनेस वुमन बन चुकी थी। पहले तो कल्पना ने इसे मना कर दिया था, लेकिन फिर वर्कर्स के दुख देखकर कल्पना ने कंपनी को संभालने की जिम्मेदारी ले ली। लेकिन तब कंपनी के ऊपर 115 करोड़ की लोन थी। फिर जब कल्पना बोर्ड ऑफ मेंबर बन गई कंपनी की, उन्होंने धीरे धीरे अपनी सूझबूझ और धीरज से कंपनी के ऊपर सारे लोन क्लियर कर दी। एक महिला जिन्होंने की मैनेजमेंट की कोई भी डिग्री नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ अपने आत्मविश्वास से ही कमानी ट्यूब्स को ऊंचाई तक ले गई। इसी अचीवमेंट के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा। साथ ही साथ सरकार ने उन्हें भारतीय महिला बैंक की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल कर दिया। तो ये थी कहानी कल्पना सरोज की, जिसे कॉरपोरेट जगत में लोग सम्मान के साथ याद करते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर जिंदगी आपको दोबारा मौका दे तो उसे गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या पता जिंदगी ने आपके लिए कुछ अलग ही प्लान किया हो। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी कल्पना सरोज की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जीवन मंत्रा। सून आई विल कम बैक विथ मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर यूजफुल वीडियोस। टिल देन थिंक पॉजिटिव एंड बी हैप्पी।